हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिमीकंद की सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कच्चा जिमीकंद को छील लिया है। अब इसे कुकर में डाल दूंगी। अब इसमें एक नींबू निचोड़ दूंगी। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 2-3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। जिमीकंद मैंने उबाल लिया है, अब इसे पतला पतला काट लेंगे और दिन भर के लिए धूप में इसे सुखा देंगे। ये देखिए, जिमीकंद मैंने दिन भर सुखा लिए हैं, आधा ही सूख गया है। 2 दिन और सुखाती तो ये पूरा ही सूख जाता। इतना ही इसे फ्राई करना है लाल होने तक। अब इसे निकाल लूँगी और बाकी का बचा हुआ भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल को डाल लिया है। 2 बड़े प्याज कट कर लिए हैं, थोड़ा सा करी पत्ता और लहसुन को क्रश कर ली है। हरी मिर्च मैंने नहीं लिया है, अगर आप लोग चाहें तो प्याज के साथ 1-2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च से इसका कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैं लाल मिर्च ही डालूँगी पूरा इसमें। जीरा डालूँगी कढ़ाई में। हल्का सा प्याज डालेंगे, इसके साथ लहसुन डाल देंगे और करी पत्ता से। लहसुन लाल हो गई है, पूरा प्याज को डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज मेरा भून गया है, अब इसमें टमाटर डालूंगी। ये 4 टमाटर है मीडियम साइज का। आप लोग टमाटर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ग्रेवी ज़्यादा रखने वाली हूँ, इसीलिए टमाटर प्याज इसमें ज़्यादा डाला है। ग्रेवी नहीं तो पतली हो जाएगी, प्याज टमाटर कम रहेगा तो। टमाटर को भून लेंगे, टमाटर में नमक डाल देंगे क्योंकि टमाटर ज़्यादा है, जल्दी से भून जाएगा ये। प्याज टमाटर मेरे भून गए हैं, थोड़ा मुझे काम था तो मैंने गैस बंद कर दिया था। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना आप लोग खाते होंगे उसके हिसाब से। ये मार्केट का गरम मसाला है, थोड़ा सा घर का गरम मसाला डालूंगी। ये घर का गरम मसाला है, जो ज़्यादा काला दिख रहा है वो मार्केट का है। हल्का सा कसूरी मेथी डालूंगी इसमें क्रश करके, मिक्स करके डालूंगी इसे। चिकन मसाला भी डालूंगी इसमें 1/2 छोटी चम्मच। इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। अब इसमें हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च कलर वाली मैंने डाल दिया है। हल्का सा पानी छिड़क लूंगी। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, नमक पहले ही डाल दिया था टमाटर में। अब इसमें जिमीकंद को डालूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे इसमें। पानी डाल के एक बार उसको फिर से भून लेंगे पानी के सूखते तक, उसके बाद इसमें पूरा पानी ऐड करेंगे। पानी को सूखते तक इसे ऐसे ही पकने देंगे।
अब इसमें पानी डाल देंगे, भून रही है ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी उबल गया है, फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी। एक ही बार में ठंडा पानी डाल देने से सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना चाहिए, पानी गर्म हो जाता है फिर डालना चाहिए, या इकट्ठे डालना है तो गर्म पानी डालना चाहिए इसमें। मैंने इसमें पूरा पानी डाल दिया है, अब इसे फुल फ्लेम में ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसे गाढ़ी होने तक ऐसे ही पकने दूंगी, ढक के इसे छोड़ दूंगी, अब कुछ भी नहीं करूंगी। ये देखिए अब ये पक गई है अच्छे से, जिमीकंद फूल गए हैं देखिए, हमने इसे फ्राई किया था तो ये सूख गया था, अब ये फूल के बड़े बड़े पीस में हो गए हैं देखिए, घुल गए हैं बढ़िया से पक के। आप लोग इसे जितनी भी गाढ़ी करनी चाहते होंगे उतना पका सकते हैं। ये हो चुका है, तब मैं गैस, बढ़िया गाढ़ी रस है इसकी, ग्रेवी बढ़िया आया है इसका, अच्छे से पक भी गया है। अगर नहीं पका हो आप लोग का तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे आधा गिलास, फिर इसे पूरा जाएगा।